नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने पूर्व में रसराज श्रृंगार और हास्य रस के बारे में पढ़ा। उदाहरण के साथ हमने दोनों रसों को समझा। आइए अब हम एक और प्रमुख रस वीर रस के बारे में जानेंगे। वीर रस, युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन से वीर रस परिपुष्ट होता है। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भावों से योग हो तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब आपके हृदय की उमंग, उत्साह, तेज जो है वो उत्साह नामक रस की सृष्टि करते हैं, उत्साह नामक भाव को उत्पन्न करते हैं और इससे वीर रस की सृष्टि होती है। उदाहरण के लिए देखिए, अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने और कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से चिंतित युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते हैं तो अभिमन्यु उनसे क्या कहता है, हे सारथे, है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर अड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मतलब आश्रय यहाँ पे अभिमन्यु है, आलंबन कौरव पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, उनकी ललकार सुन करके भुजाएं फड़कना है, वचन देना है, उत्साहित होना है और विभाव रण क्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, संचारी भाव तथा वीर रस की निष्पत्ति हुई है। मतलब जिस प्रकार से अभिमन्यु बोल रहे हैं उससे जो एक उत्साह और उमंग अन्नों के हृदय में और उसके स्वयं के हृदय में भी उत्पन्न हो रही है वो वीर रस की सृष्टि करती है कि जब हमारे अंग अंग फड़कने लगे और हम उत्साह से परिपूर्ण हो तो यह वीर रस है। इससे आगे एक और रस के बारे में हम देखेंगे, रौद्र रस। जहाँ गुस्सा क्रोध का भाव हो वहाँ रौद्र रस होता है। क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। मतलब क्रोध की जो अधिकता है उससे उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता है वो रौद्र कहलाती है। जब इस क्रोध का मेल विभाव अनुभव और संचारी भावों से होता है तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखेंगे हम, सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम जो होते हैं स्वयंवर स्थल पर आ गए हैं। लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भड़का दिया है। वे रौद्र रूप धारण कर कहने लगते हैं, क्या अभिजनि दे दोष मोहि लोगु, कटिवादी बालक बदजोगु, बाल पिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण भार भा साचा, खर कुटार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कोशिक सील तुम्हारे, न तो यही काटिक कुठार कठोरे, एक उरिन गुरहि उरिन होते हो शम थोरे। तो यहाँ स्थाई भाव क्या है, क्रोध है आश्रय परशुराम, आलम्बन है कटुवादि लक्ष्मण और परशुराम के कठोर वचन उच्चारण अनुभाव हैं, आवेग उग्रता चपलता संचारी भाव इसकी